डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर कॉरपोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड यानी DFCCIL लगातार सफलता के नए नए कीर्तिमान हासिल करता जा रहा है। इसी के तहत रेलवे बोर्ड की मेंबर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट जय वर्मा सिन्हा ने न्यू दादरी जंक्शन पर DFC के ट्रैक पर चलने वाली 1,00,000वीं गाड़ी को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस अवसर पर DFCCIL के डायरेक्टर ऑपरेशंस एंड बिजनेस डेवलपमेंट एन श्रीनिवास समेत अन्य वरिष्ठ अधिकारी भी मौजूद थे। DFC जो बनाया गया वो इस कॉन्टेक्स्ट में बनाया गया कि जितनी भी भारत की फ्रेट ट्रेन्स चलती हैं वो जल्दी से जल्दी अपने जर्नी को कंप्लीट कर सकें और हमारे जो बिजनेस है, हमारी जो इकोनॉमी है, उसमें लॉजिस्टिक कॉस्ट को कम कर सकें, समय बचा सकें। और उस दृष्टि से DFC का की कमीशनिंग बहुत बहुत इम्पॉर्टेंट है। इसलिए एक ये बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है कि अब हम 1,00,000 गाड़ी चला चुके हैं DFC के ऊपर। न्यू दादरी न्यू रेवाड़ी सेक्शन के चालू होने से उत्तर प्रदेश के भीतरी इलाकों से भारत के पश्चिमी बंदरगाहों तक माल ढुलाई निर्बाध रूप से की जा रही है। राष्ट्रीय लॉजिस्टिक नीति में DFC एक महत्वपूर्ण घटक है, जिसका उद्देश्य देश की लॉजिस्टिक लागत को सकल घरेलू उत्पाद के 15% से 2030 तक 8% तक लाना है। We have achieved a landmark achievement that is running of 1,00,000 trains so far. Particularly the section New Dadri to New Rewari has been opened for traffic and we have been running trains. Movement from Rewari to Dadri has been taking more than 24 hours. This movement now via new section will reduce by about 20 hours of transit time. This will go a long way in fulfilling DFC's objective of achieving the speed and flexibility, quickening the transit and assuring reduction in the logistics cost. अब तक ईस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 55,332 ट्रेनें, जबकि वेस्टर्न डेडिकेटेड फ्रेट कॉरिडोर पर 44,658 ट्रेनें चलाई जा चुकी हैं। अभी तक DFC के 2,089 किलोमीटर ट्रैक यानी कुल ट्रैक के 73.5% को मालगाड़ियों के परिचालन के लिए खोला जा चुका है। JNPT कनेक्टिविटी को छोड़कर पूरे DFC ट्रैक को दिसंबर 2023 तक चालू कर दिए जाने की संभावना है।